चलो गाइस चले फिर घर की ओर। और वगैरह है हमारी गाड़ी थी। यहाँ मेला है क्या? क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आज यहाँ पे मेला, इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? जान में खेले देखते रहिए अंकिता अजवाल। हाय एवरीवन, अंकिता अजवाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ अंकिता शर्मा और ये है मेरे गांव के लोग, सम ऑफ माय कजिन्स। अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये है हमारा लोकल रोड, जो कि मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में जिसके बारे में बताया था, ये हम पूरे गाँव वालों के कॉन्ट्रीब्यूशन से बना है और थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें पंचायत ने भी किया इसको बनाने में। तो मतलब बहुत हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क लगा इसे बनाने में, क्योंकि इसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि हमारे सेब के पेड़ जो होते हैं, ये वैसे सारा खेत के बीच बीच से ही निकला है, तो सभी गांव वालों ने अपने अपने खेत जो है रोड के लिए लगा दिए। तो काफ़ी लोगों की अपनी पर्सनल जो ज़मीन थी वो भी इसमें कंट्रीब्यूट हुई है। तो अभी जो है रोड का ट्रायल होने वाला है। ये काफ़ी टाइम से वैसे बंद रहा है, क्योंकि ये वैसे लास्ट टू लास्ट ईयर निकलना शुरू हो गया था, तो आई गेस 2 ईयर्स हो चुके हैं इसको। और फिर थोड़ा पानी वानी आया बहुत ज़्यादा, तो फिर रास्ता बहुत ख़राब हो गया था, मतलब ये रोड बहुत ख़राब हो गया था। और ये आप देख रहे हो, ये रोड ऐसा कहीं से लगता नहीं है, इट्स लुक लाइक थोड़ा सा देसी स्टाइल वाला रोड। तो अभी गाड़ी आने वाली है ऊपर से, तो हम सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं गाड़ी आने का नीचे। तो हम इसका मतलब काइंड ऑफ शुभारंभ करने वाले हैं, जो कि अमन पिया है और हमारे मेरे छोटे पापा की गाड़ी है और मेरे ही ब्रदर हैं, वो गाड़ी लाने वाले हैं नीचे। तो अभी लेट्स सी कैसा रहता है हमारे गाँव का रोड का शुभारम्भ और द ट्रायल फेज ऑफ दिस रोड। तो लेट्स सी, मैं रोड दिखाती हूँ। रोड की हालत देखो, देखो आप देख रहे हो, ये है सेब के पेड़ और सेब के बगीचों के बीच से ही सारा रोड निकला है। तो अभी हम रिव्यूज़ लेंगे लोगों के, हाउ दे आर फीलिंग कि हमारे गांव में फाइनली रोड जो है पहुंच गया है और गाड़ी भी रन थ्रू हो रही है। लेट्स सी, चलो उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है उन्हें। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ। बताओ फिर लोगों को कैसा लग रहा है आपको, खुश हैं आप? खुश है, खुश है, बढ़िया है। कैसा रोड निकला आपका? रोड अच्छा निकला, आज धुरा रहा होगा कुछ। क्या रह गया? नीचे से आएगा धुरा ना। अच्छा धुरा रह गया है। अच्छा अच्छा, देखो गाइस ये है दादा के पीछे हमारा रोड, और देखो खेत वाला फील आ रहा है टोटल। ये हमारे पहाड़ी लोग, और यहाँ से आप देख रहे हो वो वाली साइड, वहाँ पे है रोड। अभी हम रिव्यूज लेंगे। हेलो भाई साहब, भाई साहब, कैसा हो? अजय भैया जैसा हो? अजय भैया किस लग रहा है, आपके गांव में फाइनली रोड पहुंच गया है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ तक गाड़ी पहुंचती है कि नहीं। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको, गांव में फाइनली रोड पहुंच गया है और आज गाड़ी भी रन थ्रू होने वाली है? आज काफी टाइम बाद, एक्चुअली पहले भी आ गई थी गाड़ी, पर रोड खराब हो गया था रास्ते में, रास्ते में नहीं बरसात में टूट गया था। देखो लोगों का एक्साइटमेंट लेवल, देखो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है बरसात और रास्ते का। और भाई कैसे लग रहा है? ये हमारे सबसे बड़े भैया, हमारे कजिन्स में से। तो कैसे लग रहा है भैया आपको? बहुत बढ़िया। बताओ अपने रिव्यूज दो, कैसे क्या फील आ रहा है आपको? फर्स्ट ट्रायल हो रहा है और अच्छा लग रहा है, सभी गांव वाले खुश हैं। ये देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं, ये देखो इधर बेचारे धूप में इतना इंतजार कर रहे हैं गाड़ी आने का, लेकिन गाड़ी आने का नाम नहीं ले रही, लेकिन गाड़ी आई नहीं रही अभी। हाँ हम पूछेंगे नौजवानों से कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ये है हिमांशु। अरे हिमांशु कैसा लग रहा है आपको, रोड आ गया आपके गाँव में? कब ला रहे हो आप अपनी गाड़ी, कब ला रहे हो नीचे? जब ये पूरा बन जाएगा बढ़िया। देखो मंडी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। ये भी है छोटी, ये भी मंडी की है। ये भी मंडी के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं हमारा रोड का एक्साइटमेंट देखने, है ना? और आंटी जी कैसे लग रहा है आपको, रोड आ गया आपके गांव में? अच्छा लग रहा है। ताई जी गांव में गाड़ी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर गाने गुने गाओ, थोड़े गाने गाएंगे बाद में, जैसे जब नीचे आएंगे तब गाएंगे हम गाने। अच्छा ठीक है गाइस, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है सब लोगों में। हम लोग अभी तक गाड़ी वैसे आई नहीं है, अभी लोग ऊपर ही पहुंचे रोड में, जो मेन रोड हमारा है, लेकिन देखिए लोग इतने ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देख रहे हो, देखा मैंने दिखाया, देखो देखो रोड क्या बढ़िया रोड, देसी रोड इसको होते हैं, हिमाचली पहाड़ी ऐसे रोड होते हैं, स्मार्ट लग रहे हो। तो दर्शकों में कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है, बच्चे बूढ़े और जवान और साथ में आप देख रहे हो हमारे यहाँ के डॉग्स भी आए हैं, ये देखो
नजारा है ना। हाय ऑस्कर, हाय हाय, आप यहाँ क्या करने आए हो? ऑस्कर ऑस्कर आप देख सकते हो कितनी दराज के भी लोग दूर से लोग आ रहे हैं। हमारा रोड गुंजन दीदी, हरे जन दीदी, लग रहा है पांच साहब क्या करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई गाना डेडिकेट करो आज गाड़ी वाले के लिए। बिल्कुल नहीं आता गाना, नहीं आता तू घरे आ जा पहले। गाने में मैं निकला गाड़ी ले गई वही गाले। गाड़ी तो तैयारी पीता कर आए भी ओ मोले गए किसी के मोले वाले सेक्स करेंगे सबका स्वागत। देखिए देर दिखा बीन ये है हमारा प्लेग्राउंड जो कि बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बच्चे सारे शहरों में बस गए हैं फॉर देयर हायर स्टडीज़ और फॉर देयर जॉब इश्यूज, तो अब यहाँ पर कोई खेलने नहीं आता। अब ये हमारा मॉल रोड है, सस्ते वाला मॉल रोड। हम लोग हैं गाइस टिपिकल पहाड़ी, और जब भी किसी चीज़ का शुभारंभ करना होता है ना तो इस तरह से ही हमारे यहाँ पर कोई ना कोई रिचुअल फॉलो ज़रूर किया जाता है। तो अभी मेरे कज़िन ब्रदर ने नारियल का गोला फोड़ा है ताकि सभी में इसको एज अ प्रसाद बांट दिया जाए और शुभारंभ को एज अ हैप्पी नोट स्टार्ट कर दिया जाए। कैसे लगा छोड़े बाबा आपको? बहुत बढ़िया, थोड़ा सा रोड हमारा अच्छा नहीं हुआ है बेटा, थोड़ा सा ऊपर एक कैंची है थोड़ी उसको ठीक किया जाए। हाँ ठीक है, तो ये हमारे ड्राइवर साहब हमारे छोटे बाबा का रिव्यू है कि ऊपर वाली कैंची को ठीक किया जाए फिर हमारा रोड बढ़िया हो जाएगा, रन थ्रू हो जाएगा। सारी आ गई है गाड़ी के अंदर, देखो कैसे मजे आ रही है हमारी इसमें। देखो लोग शिमला से फोन कर रहे हैं यहाँ पे ताकि उनको पता चल सके कि कैसा रोड निकला है हमारे यहाँ पे। लोगों को चैन नहीं होता है। लुक एट दीस रोड्स। शिल्पा दीदी हाउ आर यू फीलिंग? अमेजिंग, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये हमारे रोड यहाँ के तो भी बस गाड़ी जुड़े तो गाइस ये हम पहुंच गए हमारे मेन रोड पे। गाइज वी वर ट्रूली फीलिंग लाइक खतरों के खिलाड़ी। और इसके अलावा मुझे एक और फील आ रहा था, वो बोलते हैं ना हम लोग कोई भी टॉनिक यूज़ करने से पहले शेक बिफोर यू यूज़, दिस इज़ हाउ वी वर शेकिंग आर सेल्फ्स। इस सब में आज मज़ा तो बहुत आया लेकिन गाइज लिटरली हमारी ना चटनी बन गई थी। हो गई है हमारी गाड़ी पार्क वहाँ पे और अब हम चल पड़े अपने गाँव की ओर। ठीक है, सो गुंजन दीदी कैसा लगा आपको गाड़ी में बैठ के? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पंच साहब हमारे बड़े ताऊ जी, तो ताऊ जी कैसा रहा सफर? लगभग ट्रायल ठीक ही रहा, एक कैंची पे थोड़ी सी हमारी दिक्कत है, उम्मीद है कि सही से सॉल्व हो जाएगी कुछ ही दिनों में। लगभग सभी के सामने जो ट्रायल है ठीक रहा। हाँ, और ये है हमारे ड्राइवर साहब, ये दोनों हमारे ड्राइवर साहब। अमन भी पहले आप बताओ आपको कैसे लगा?
ठीक है, अच्छा है, लगभग एक कैंची खराब है भाई। ठीक है, एक कैंची खराब है, उसको ठीक कर। ठीक है, फिर अमन भैया रोज नीचे गाड़ी पार्क करेंगे, है ना? नीचे पार्क होगी गाड़ी। ठीक है, और अब हमारे छोटे पापा। हाँ बेटा, कैसे लगा आपको? बेटा थोड़ा जोर लगा, वो तो क्लच पेट पे ना, बाकी तो ठीक है, कोई सुधर जाएगा। ये रोड आ जाएगी, गाड़ियाँ बड़ी इजीली आएगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि सीजन में साल हम अपने रोड से ही गाड़ियाँ सेब की पेटियाँ निकाले गाड़ियों में। ठीक है, ठीक है ताऊ जी, फिर बाय 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 बाय। ठीक है, हमारा रोड थोड़ा सा बहुत खराब जरूर है, आप देख रहे हो, ये है रोड की हालत वैसे तो, पर फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी और आज हमने गाड़ी का ट्रायल भी सक्सेसफुली कर लिया है। तो होप सो इस सीज़न हम लोग अपने ही गांव के जो हमारा लोकल रोड है उसी से हमारी सेब की पेटियां नीचे वाले रोड तक जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है। चलो गाइस, चले फिर घर की ओर। ये छोटा सा था ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए वी थ्रिल विद अंकिता शर्मा, यू।